इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और एक जिला से चौकीदार का फॉर्म निकल के आ रहा है, क्योंकि आप लोग देख पा रहे हो पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा से ये अपडेट आ रहा है, क्योंकि आप लोग देख पा रहे हो चौकीदार के रिक्त 83 पदों पर नियमित 80 एवं बैकलॉग 3 पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन विहित प्रपत्र में आवेदन किए जाते हैं। तो ये वाला आप लोग का जो चौकीदार का पद है, आप लोग का पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा से अपडेट आ रहा है, जो कि यदि आप लोग फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो सिंपली देख पा रहे हो 3/8/24 से पहले आपको फॉर्म डाल देना है। ये ऑफलाइन फॉर्म है और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये नोटिफिकेशन वीडियो है। इससे रिलेटेड फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है मैं उसका अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, तो चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है, ठीक है। तो इससे मतलब ये वीडियो देखोगे तो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है, बट उसमें जो है मैं टोटल जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ उसमें मैं टोटल आपको टाइप करके बता दूंगा, मतलब लिख के बता देंगे किस तरह से फिलअप करना है, ठीक है। इसके लिए टोटल नोटिफिकेशन समझ लेते हैं क्या मांगा गया है क्या नहीं, तो नोटिफिकेशन समझना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा 4-5 जिलों में आप लोग का क्या चल रहा है, 5 जिलों में कब से कम आप लोग का क्या चल रहा है चौकीदार के पद पे फॉर्म चल रहा है, क्योंकि जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गया, पलामू डिस्ट्रिक्ट हो गया, एक जमशेदपुर हो गया और 2 डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग मेरे टोटल मेरे चैनल पर वीडियो बना हुआ आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, सिंपली देख पा रहे हो पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा का चौकीदार के पद पे क्या मांगा गया क्या नहीं, तो पूरे डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ बात करते हैं देख पा रहे हो विज्ञापन संख्या, यदि बात करें तो 1/2024 आप लोग का विज्ञापन संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नीचे जब आओगे आप लोग यहाँ बताया जाएगा देख पा रहे हो पद का नाम जो कि आप लोग का चौकीदार हो जाएगा। देखो रिक्त पदों की संख्या कितना होगी आप लोग का 83 हो गया, ठीक है। और देखो एक चीज हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि इसको कौन कौन फिलअप कर सकता है, तो आप सिंपली जब ये पीडीएफ डाउनलोड करोगे, ये पीडीएफ आप लोग कहाँ से डाउनलोड करोगे तो मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, आप वहां से जाए ले सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे आप नीचे आओगे तो नीचे जैसे आप लोग आओगे तो यहीं पर आप लोग एक चीज दिया गया होगा, देखो आप लोग सिंपली नीचे आओगे तो देखो यहाँ पे देखो 9 नंबर पेज से आप लोग का दिया गया है, जो कि देख पा रहे हो परिशिष्ट क में दिया गया, जिसमें आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे देखो बीट संख्या एवं बीट का नाम, ठीक है। यहाँ देखो गांव का नाम दिया गया टोटल, यदि आप लोग इस क्षेत्र से आते हो मतलब चाईबासा से आते हो आप लोग, यहाँ देखो टोटल ये गांव का नाम है आप लोग का, यदि यहाँ पे आपको गांव का नाम दिख जाता है तो आप लोग फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो। देखो इतना सारा आप लोग टोटल देखो, ये नहीं छोटना कि झारखंड का कोई भी डिस्ट्रिक्ट भर सकता है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप लोग हो उसी रिलेटेड मतलब यहाँ पे देखो आप लोग गाँव शो होना चाहिए, आप लोग यहाँ पे गाँव शो हो रहा है तो आप लोग फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो। ये उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ चुका है, ठीक है। अब देखो हम पूरा डिटेल में बात करते हैं, आप लोग कोई दिक्कत ऐसे नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ आते हैं, यहाँ हम लोग समझ लेते हैं पहले, तो ये हम समझ गए पद कितना आप लोग का 83 पद है, इसमें कोटी बार देखो रिक्त पद की बात करें तो देखो आरक्षित जिसको बोलते हैं हम लोग जनरल, जनरल का आप लोग कितना पद है 32 पद है। फिर आप लोग देख पा रहे हो देखो यहाँ पे अनुसूचित जनजाति इसको किसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एसटी को बोलते हैं, ठीक है। जिसमें देख पा रहे हो एक नियमित है एक बैकलॉग है, दोनों अलग अलग किया गया है। नियमित पे आप लोग का 37 पोस्ट है और बैकलॉग में आप लोग का 3 पोस्ट है। फिर देख पा रहे हो क्या है अनुसूचित जाति जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एससी बोलते हैं, एससी में कितना पोस्ट है 3 पोस्ट है, ठीक है। और एक है आप लोग का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ईडब्ल्यूएस बोलते हैं, ठीक है। टोटल ये सब मिला के आप लोग का 83 पद है, ठीक है, ये बताया गया है। अब देखो यहाँ बोला गया बीट संख्या एवं नाम सहित प्रविष्ट एक में संलग्न है, जो कि आप लोग नीचे हम बताए, ठीक है। अब देखो यहाँ बताया गया जैसे कि क्षेत्रीय आरक्षण, आरक्षण के बारे में बताया गया कि आप लोग खेल कोटा मतलब खेलकूद कोटा से आते हो तो आप लोग 2% आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा देख पा रहे हो आप लोग विकलांग से आते हो, देख पा रहे हो ना विकलांग से, तो आप लोग का कितना 4% आप लोग को आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा देख पा रहे हो आप लोग अनुसूचित जाति सॉरी अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के आप लोग यदि एसटी के कास्ट से आते हो और आप लोग यदि आदिम जनजाति से आते हो तो भी आप लोग को 2% का क्या मिलेगा आप लोग को छूट मिलेगा, ये है, ठीक है। और एक आप लोग का मिलेगा जिसमें देख पा रहे हो महिला को, महिला को आप लोग कितना 5% क्षेत्रीय आरक्षण दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता का, तो सिंपली आप लोग 10वीं देखो बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, मतलब आप लोग 10 पास किए होंगे तो ये फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो। यहाँ बताया गया देखो चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता झारखंड राज्य के मान्यता प्राप्त शिक्षित शिक्षक संस्थानों बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, तो आप लोग कौन सा बोर्ड से होना चाहिए झारखंड राज्य के बोर्ड से होगे तो ही आप लोग फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। अब देखो उम्र सीमा की बात करें तो आप लोग का मिनिमम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और आप लोग देखो अलग अलग आप लोग का देखो यहाँ पता है जैसे जनरल का आप लोग कितना हो चुका है 35 वर्ष और दिव्यांग जनरल होगा 40 वर्ष। फिर आप लोग का ओबीसी का 2 कैटेगरी देखो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को क्या बोलते हैं BC1 बोलते हैं और पिछड़ा वर्ग को BC2 बोलते हैं, ठीक है। इसका उम्र कितना होना चाहिए 37 वर्ष, यदि विकलांग से आएंगे तो 42 वर्ष। महिला की बात करें तो इतना सारा देखो जनरल पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग 38 वर्ष तक और इधर विकलांग वाले लोग को 43 वर्ष। और देखो SC ST की बात करें जो पुरुष महिला दोनों की बात करें तो 40 उम्र तक आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो और दिव्यांग का 45 वर्ष तक। और EWS की बात करें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें तो 35 वर्ष आप लोग का उम्र होना चाहिए और दिव्यांग लोग का 40 वर्ष, ठीक है। ये उम्मीद करते समझ में आ चुका है।
इसके बाद देखो यहाँ बताया गया अन्य योग्यता के बारे में बताया गया है कि देखो अभ्यर्थियों को संबंधित बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। तो आप लोग हम शुरू बताया बीट संख्या नीचे हम लोग बताए जितना गाँव का नाम यदि आप लोग का शो करता है तो आप फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। जो कि आप लोग देख पा रहे हो रिक्त बीट एवं विशिष्ट सूची परिशिष्ट को मतलब नीचे जो आप लोग बताए वहीं पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा, जो कि जिला की वेबसाइट ई वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दिए आप वहां से जरूर देख ले मतलब देख ले डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का ज्ञान होना आवश्यक होगा, ठीक है। देखो चरित्र की बात करें कैरेक्टर की बात करें तो देखो अभ्यर्थियों का चरित्र अच्छा हो एवं आपराधिक इतिहास ना हो, चरित्र की जाँच उनके नियुक्ति से पूर्व नियुक्ति प्राधिकार द्वारा करवाई जाएगी। अब यहाँ बात करते हैं हम लोग नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में, तो बताया गया आवेदन देखो चौकीदार के कुल 83 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में प्राप्त किए जाएंगे, ठीक है। तो आपको प्रिंट आउट कर लेना है क्योंकि इस वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना है, क्योंकि इस वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या होगा लिखित परीक्षा होगा, देखो सर्वप्रथम अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 50 अंकों की ली जाएगी। लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम देख पा रहे हो 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। सफल उम्मीदवार की सूची जो आप लोग का 1:3 की संख्या में तैयार की जाएगी, ठीक है। अब देखो बात करते हैं हम लोग शारीरिक माप की बात करते हैं, तो शारीरिक माप देखो अभ्यर्थियों का न्यूनतम शारीरिक माप निम्नलिखित होगा। न्यूनतम शारीरिक माप वाले अभ्यर्थी ही शारीरिक जांच के लिए योग्य होंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं शारीरिक माप की, तो देख पा रहे हो ये ऊंचाई है आप लोग का और ये देखो पा सामान्य जाति मतलब जनरल की बात करें तो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। और देख पा रहे इसमें तीन तरह का देखो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS ओबीसी का दो कैटेगरी पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग तभी 160 सेंटीमीटर और अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST 155 और महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। फिर आप लोग जो जो ये जो ऊंचाई वाले सेंटर में पास हो जाओगे फिर आप लोग कहाँ आ जाओगे शारीरिक जांच में आ जाओगे। देख पा रहे हो तो जो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण एवं उपरोक्त न्यूनतम शारीरिक माप में अंकित न्यूनतम शारीरिक मापधारी अभ्यर्थी जो है शारीरिक जांच में भाग लेंगे, ठीक है। सभी अभ्यर्थी 1 मील का दौड़ देख पा रहे हो 1 मील का दौड़ में भाग लेंगे। 1 मील कितना होता है 1600 मीटर के करीब आप लोग का रेस होगा, ठीक है। भाग लेंगे शारीरिक जांच में निम्न आधार पे अंक दिए जाएंगे, तो हम लोग समझ लेते हैं किस आधार पे अंक दिए जाएंगे। तो देख पा रहे 1 मील दौड़ की बात करें तो देख पा रहे 1 मील मतलब 1600 मीटर दौड़ हो जाएगा, ठीक है। पुरुषों की बात करें तो देख पा रहे 20 अंक दिया जाएगा। कब दिया जाएगा या आप लोग 5 मिनट या 5 मिनट से पहले पहुंचते हो तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। अब देखो 5 से 6 मिनट के बीच में रहोगे तो आप लोग 10 अंक दिया जाएगा, लेकिन जहां आप लोग 6 मिनट से ज्यादा दे देते हो, ठीक है, अधिक समय लेने वाले निर्हत समझे जाएंगे मतलब आप लोग कैंसिल हो जाएगा, आप लोग वहीं पे आप लोग का समाप्त हो जाएगा कहानी, ठीक है। रिजेक्ट हो जाओगे आप लोग वहीं से यदि 6 मिनट से अधिक ले लेते हो, ठीक है। सिंपल सेम प्रोसेस महिला लोग का होगा कि 8 मिनट या इससे पहले पहुंचोगे तो 20 अंक और देखो 8 से 10 मिनट के बीच पहुंचोगे तो 10 अंक और इससे ज्यादा समय लोगे तो निर्हत समझे जाएंगे, ठीक है। तो ये उम्मीद करते समय में आ चुका आप लोग को। देखो यहाँ बताया गया है कि लिखित परीक्षा एवं शारीरिक माप जांच का आयोजन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाएगी। अब देखो यहाँ बताया गया 6 देखो 7 नंबर पॉइंट पे मेगा सूची, आप लोग ये पता होना बहुत ही जरूरी कि मेगा सूची कैसे बनता है। देखो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, देखो लिखित परीक्षा मतलब पहला जो एग्जाम होगा आप लोग का लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक एवं शारीरिक जांच, देखो शारीरिक जांच बताया गया, ठीक है, में प्राप्त अंक एवं कार्य अनुभव में प्राप्त अंक के योग्य के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी। तो शारीरिक जांच बोला गया जो रेस होगा आप लोग का जो रन होगा मतलब समझ लो उससे और लिखित परीक्षा से, और यदि आप लोग का कोई चौकीदार के पद पे आप लोग काम किए होंगे तो आप लोग का अनुभव के साथ आप लोग का मेगा सूची बनेगा, ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप लोग का क्या होगा चिकित्सा परीक्षण होगा, देखो नियुक्ति के पूर्व सफल चयनित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य की जाँच की जाएगी। सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्य के निर्वहन हेतु आवश्यक शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता मापदंड के आधार पर अभ्यर्थियों को योग्य पाए जाने पर ही नियुक्त किया जाएगा। इसके बाद आप लोग बताया गया वेतन मार्ग की बात करें तो आप लोग देख पा रहे हो इतना से इतना ग्रेड पे में आप लोगों का वेतन होगा, जो कि वेतन आप लोग का 1800 होगा मतलब 1800 ग्रेड पे होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ बताया गया आवेदन करने की प्रक्रिया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, तो इसको हम लोग समझते हैं। तो देख पा रहे आवेदन करने की प्रक्रिया हम लोग समझते हैं, तो देखो बताया गया है इस विज्ञापन में वर्णित योग्यता सह अर्हता रखने वाले उम्मीदवार से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र सहित आवश्यक कागजात अर्थात संबंध मतलब इतना सारा आप लोग को डॉक्यूमेंट देना होगा फॉर्म के साथ। अब क्या क्या देना होगा समझ लेते हैं, देखो। और एक चीज आप लोग मतलब इसकी मतलब जो आप लोग फॉर्म फिलअप मतलब जो आप लोग फॉर्म भरोगे समझ लो कि ये जो फॉर्म है आप लोग का, देखो आप लोग का 1 2 यहाँ से स्टार्ट है आप लोग 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर और एक आप लोग का 8 नंबर 4 पेज का आप लोग का PDF रहेगा, इसको आपको प्रिंट आउट करवा लेना है। प्रिंट आउट करवा के आप लोग को क्या क्या अटैच करना है इसके बारे में यहाँ बताया गया, तो इसी को हम समझते हैं। तो आप करवा लिए, इसके बाद आप लोग देखो एक चीज लेना है जितना भी आप लोग जेरॉक्स कॉपी दोगे
जितना भी आप लोग जेरॉक्स कॉपी दोगे आप लोगों को क्या देना है, सब अभी प्रमाणित देना है, नहीं तो आप लोग ऐसे रिजेक्ट हो जाओगे। मतलब आपको सेल्फ अटेस्टेड देना है, एक चीज का ध्यान पूर्वक रखना है। और सेल्फ अटेस्टेड क्या होता है कि आप लोग का ये समझ लो ये जेरॉक्स कॉपी है, तो नीचे में आप लोग अपना नाम और अपना डेट जिस दिन आप लोग जमा करे फॉर्म वो डेट दे देना, उसी को बोलते हैं सब अभी प्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड बोला जाता है। ये उम्मीद करते समझ में आ चुका है, देख पा रहे हो। इसके बाद बताया गया शैक्षणिक अंक प्रमाण पत्र आप लोग मार्कशीट एवं प्रमाण पत्र की 100 अभी प्रमाणित प्रति, तो आप लोग का जो 10 लेवल सिर्फ 10 दे रहे हो आप लोग, तो 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये दोनों चीज आपको देना है, ठीक है। फिर आप लोग यदि आरक्षण का दावा कर रहे हो, मतलब आप लोग SC ST OBC जाते हो, तो आप लोग देख पा रहे हो सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र देना होगा, ऐड करना होगा। तो इसके साथ आप लोग क्या देना होगा, कार्ड देना होगा और आवासीय देना होगा, रेसिडेंशियल देना होगा, ठीक है। ये समझ में आ चुका है। जन्म तिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र आप लोग यदि होगा बस सर्टिफिकेट तो ऐड करना है, नहीं तो आपको 10 का मार्कशीट ऐड करोगे उसी से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अलावा यदि आप लोग कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, यदि आप लोग कहीं कार्य अनुभव किए होंगे चौकीदार के पद पे तो आप लोग दे सकते हो। इसके बाद देख पा रहे हो 100 अभी प्रमाणित 2 पासपोर्ट साइज फोटो, देख पा रहे हो आप लोग को पासपोर्ट साइज फोटो देना है 2, वो भी सेल्फ अटेस्टेड देना है, ठीक है। ये उम्मीद करते समझ में आ चुका है आप लोग को। अब देखो यहाँ बताया गया है, देखो एक खाली लिफाफे पर आवेदक का स्वयं का पता देखो एवं ₹26 का डाक टिकट चिपका कर संलग्न करेंगे, तो आप लोग का क्या करना है, ₹26 का डाक टिकट भी लगाना है। आप लोग को 2 फॉर्म लेना है, ठीक है। एक जो आप लोग का क्या करना है जिसमें ₹26 का लगाना है आप लोग को, ठीक है। एक आप लोग का ₹26 का लगाना है और एक आपको इसके अंदर डाल देना है, ठीक है, जो कि अपना आगे का एड्रेस लिख के डालना है, और इसमें आपको दोनों एड्रेस लिखना है। अब इसका जो नहीं समझ में आएगा आप लोग को, तो मैं इसका अलग वीडियो लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, ठीक है। फिर भी मैं आप लोग को बताने की कोशिश करूंगा अभी, ठीक है, डिटेल में थोड़ा इसको हम पढ़ लेते हैं और थोड़ा कितना बचा हुआ है, फिर आप लोग को थोड़ा कोशिश करते हैं अच्छे से समझाने का, ठीक है। अब देखो किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर उनका आवेदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा, ये चीज समझ में। अब देखो यहाँ से आपको डाउनलोड होगा, ये बार बार हम बता, देखो परीक्षा शुल्क देय नहीं है, तो परीक्षा शुल्क आप लोग का नहीं लग रहा है, ठीक है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। देखो परीक्षा की तिथि आप लोग दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से अलग अलग से प्रकाशित की जाएगी। सभी वांछित दस्तावेज को संलग्न करते हुए बंद लिफाफे के ऊपर देखो चौकीदार पद हेतु आवेदन अंकित करें एवं आवेदन बंद लिफाफे में निबंधन डाक या स्पीड पोस्ट से भेजे, ठीक है। और देखो यहाँ पे देखो बताया नहीं गया, देखो चौकीदार, देखो मतलब कहने का मतलब ऊपर में आपको क्या क्या लिखना है। जैसे कि बहुत सारा फॉर्म है, बहुत जैसे जामताड़ा वाला में बहुत चीज मांगा जा रहा है कि ऊपर में आप लोग विज्ञापन संख्या लिखो, पद लिखो, बीट संख्या का नाम लिखो, अंचल का नाम लिखो, इतना चीज मांगा जा रहा है कहाँ पे, जामताड़ा वाला में। बट जितना भी बार बार की हम देखे, मतलब इसके अलावा जो पलामू हम देखे और भी बहुत सारा जो निकला चौकीदार पे, उस पर क्या क्या मांग रहा है कि आप लोग जो फॉर्म मतलब लिफाफा लोगे, लिफाफे में आपको क्या लिखना है, ऊपर में लिखना है आपको विज्ञापन संख्या लिखना है और पद लिखना है, पद का नाम लिखना है जो कि आप लोग चौकीदार होगा, चौकीदार ये लिख लेना, साइड साइड में आप लोग का अपना एड्रेस और जहाँ भेजना इधर एड्रेस, ये आप लोग को उम्मीद करते समझ में आ चुका है। जो कि आप लोग 3/8/24 को आप लोग 5 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन भेजने का पता आप लोग, आप लोग का आवेदन इस एड्रेस पे आपको भेजना है, तो ये उम्मीद करते समझ में आ चुका है। अब मैं इसका अलग वीडियो बनाने वाला हूँ डिटेल से, किस तरह से आपको इसको फिलअप करना है। देखो ये आप लोग का फॉर्म है, टोटल आप लोग इजिली फिलअप कर सकते हो, कोई आप लोग का दिक्कत होगा नहीं। तो यहाँ आप लोग का फोटो लगाना है, फोटो पे आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड आपको कर लेना साइन। मतलब सेल्फ अटेस्टेड क्या होता है कि इस तरह से क्रॉस होना चाहिए, कोई कोई देखते हैं सेल्फ अटेस्टेड मतलब फोटो चेहरा के ऊपर साइन कर देते हो, ऐसे नहीं करना आपको, इस तरह से साइड में करो, कोई दिक्कत आपको होगा नहीं, ठीक है। इसके बाद सेम टू सेम प्रोसेस आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। देखो यहाँ पर अंचल का नाम लिख देना है आप लोग को, देखो आवेदित बीट क्षेत्र का नाम, बीट क्षेत्र का नाम और बीट संख्या जो कि आपको नीचे PDF में देखने को मिल जाएगा। फिर आपको ग्राम का नाम यहाँ दे देना है, फिर यहाँ पे अभ्यर्थियों का नाम देना हिंदी में, फिर इंग्लिश में, फिर आप लोग देखो पिता पति का नाम देना है आप लोग को हिंदी में, अंग्रेजी में, ठीक है। फिर आप लोग को अंक देखो जन्मतिथि अंक बता देना अंकों में या शब्दों में, और आप लोग को बता देना आप लोग 1/7/24 तक कितना उम्र हुआ, तो सिंपल जितना उम्र होगा 26 साल 0 महीना 6 दिन उसका आपको जानकारी दे देना है। फिर आप लोग देख पा रहे हो स्थायी पता आप लोग को बताना है यहाँ पे, जो कि आप लोग का क्या होता है परमानेंट एड्रेस होता है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस आप लोग को बता देना यहाँ पे, ग्राम पंचायत का नाम, पोस्ट थाना, अंचल का नाम, बीट संख्या, ठीक है। फिर आपको देखो बीट का नाम, बीट में संलग्न ग्राम से आवेदक के ग्राम का नाम, जिला, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसके बाद आपको यहाँ करंट एड्रेस देना है। फिर आवेदक पद का नाम चौकीदारी रहेगा, शरीर पर चिन्ह के निशान यहाँ भी आप लोग दे सकते हो, 2 यदि होगा तो, नहीं तो आप छोड़ सकते हो। इसके बाद 10th सिर्फ पास किए होंगे तो 10th का डिटेल दे सकते हो, किस बोर्ड से पास किए हैं, कब पास किए हैं, कितना नंबर आया था, कितना परसेंटेज था। इसके बाद अन्य होगा 12th का दे सकते हो, ग्रेजुएशन की ग्रेजुएशन का दे सकते हो, इसके अलावा कुछ और किए होंगे कंप्यूटर कंप्यूटर, तो उसका भी जानकारी आप नीचे दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर अपना लिंक बता देना है, मेल फीमेल क्या हो आप लोग, यहाँ पर यदि आप लोग विकलांगता चाहते हो तो इसमें टिक कर देना आप लोग को। इसके बाद यदि आप लोग खेलकूद कोटा चाहते हो तो प्रमाण पत्र संख्या, तिथि और उपलब्धि बता देना है आप लोग को। इसके बाद आप लोग छेनी बता देना है, अभ्यार्थियों का जाति छेनी,
जनरल, आर्थिक रूप से सॉरी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, किससे आते हो, फिर आवासीय प्रमाण पत्र संख्या, निर्गत संख्या, जो यहाँ मतलब ये जाति होगा, ये जाति यहाँ पे लिख लेना आप लोग। सेम टू सेम आप लोग का जाति प्रमाण पत्र का संख्या और यहाँ पे निर्गत का तिथि देना है। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट होगा तो यहाँ पे ईडब्ल्यू का तिथि या तिथि देना है, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखो 26 रुपये का टिकट लगा देना है। और देखो 19 नंबर में क्या बताया गया है, क्या आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ, यदि हाँ तो उसका पूर्ण विवरण अपराध की धारा सहित उल्लेख करें, तो यहाँ उल्लेख करना होगा यदि ऐसा कैंडिडेट होंगे तो आप लोग। इसके बाद देख पा रहे हो आप लोग चौकीदार के पद पे आप लोग कभी काम किए होंगे तो उसका जानकारी दे सकते हो, अंचल का नाम, थाना, बीट संख्या, अवधि, ठीक है। इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे तिथि देना है, यहाँ पे आप लोग को जिस दिन जमा करो उस दिन का तिथि स्थान और यहाँ पे सिग्नेचर अपना कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हो प्रपत्र प दिखेगा जो कि आप लोग का एडमिट कार्ड ही रहता है, ठीक है। ये प्रवेश पत्र और यहाँ साफ साफ बता दिया अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। ये जो 3 गो पेज है ऊपर वाला पेज आप किसी से भी फिलअप करा सकते हो, बट ये जो फिलअप है जो स्टूडेंट है कैंडिडेट है उसी को फिलअप करना है। यहाँ पे अपना नाम देख सॉरी पद का नाम, यहाँ पे आवेदक का नाम, पिता का नाम, आप लोग करंट एड्रेस बता देना और यहाँ पे फोटो आप लोग को लगा देना है सेल्फ अटेस्ट करके। और इधर नीचे वाला भरना नहीं है क्योंकि केवल कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। तो सिंपल ये आप लोग का फॉर्म फिलअप का पूरा प्रोसेस हो चुका है। सिंपल में आप लोग देखो नीचे आप लोग बीट का संख्या दिख जाएगा, यहाँ पे गांव दिख जाएगा, बीट का नाम और बीट का नाम और बीट का संख्या देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो दिख रहा है गाँव का नाम, यहाँ पे आपको लिस्ट में दिखता है आपका नाम, तो आप फॉर्म फिलअप करने के लिए इलिजिबल हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर कर दीजिएगा और इस तरह से अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।